बसमानरिम मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन एक नए टॉपिक के साथ और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स की तरफ से मुखलिफ़ दोस्तों की तरफ से कि आप बैंड वैगन इफ़ेक्ट पे बात करें बैंड वैगन इफेक्ट को एक्सप्लैन करें ये क्या चीज़ है तो आज हमारा फिर टॉपिक जो है जिस पर हम बात करेंगे जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो है बैंड वैगन इफेक्ट बैंड वैगन इफेक्ट बेसिकली प्रोपरगेंडा डिवाइसिस या प्रोपरगेंडा टूल्स में से या प्रोपरगेंडा की टेक्निक इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हर वक्त डिफरेंट uh, वेज में इसको, इसको, इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है चाहे एडवर्टाइजिंग आप ले लें चाहे वॉर टाइम्स ले लें uh, चाहे आप पोलिटिकल कैम्पेंस ले लें इवन गवर्नमेंट्स जो है इसको यूज करें तो मैं इसको स्टेप बाई स्टेप हम डिस्कस भी करेंगे कैसे यूज़ हो रही होती है किस तरह से प्रोपरगेंडा को और ख़ासकर कर बैंड वैगन जो हमारा टॉपिक है आज का इसको किस तरह से हाउ इट्स बींग यूटिलाइज एंड यूज तो एक चीज़ मैं आप बताता चलूँ कि खासकर जब प्रोपेगेंडा की हम बात करते हैं और बैंड वैगन इफेक्ट की बात करते हैं तो आज के जो डिजिटल एरा है इस एरा में हमें प्रसोशन प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेंडा की डिवाइसेस को समझना ज़्यादा अहम है हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए कि इस टाइम सोशल मीडिया पे या ये जो डिजिटल एरा में बहुत सारी चीज़ें फेक और जो है ना वो चल रही होती है तो बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो इस डिजिटल एज में या डिजिटल एरा में हम तक आ रही होती है लेकिन हमें उसको अब कैसे उससे हम अवेयर हो सकते हैं कैसे समझ सकते हैं जब हमें कम्युनिकेशन की फिलॉसफी को उसकी 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 जो फिनिना को हम जब समझेंगे प्रसन्न को समझेंगे प्रॉपरगेंडा को समझेंगे बैंड वैक इफेक्ट को समझेंगे या प्रॉपर प्र, 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 की जो बाकी डिवाइस हैं जिन पर मैं बड़ी डिटेल में ऑलरेडी दो वीडियो सिर्फ डिवाइस पर मौजूद है प्रॉपरगेंडा की डिवाइस पर मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ उसमें मैंने प्रॉपरगेटा ये जो प्रॉपरगेटा डिवाइस है जिस पर आज हम बात कर रहे कर रहे हैं बैंड वैगन इफेक्ट इसका भी उसमें ऑफ कोर्स वो डिवाइसिस में इट्स वन ऑफ द डिवाइस तो इसका भी जिक्र उसमें है लेकिन यहाँ में हम आज हम इसमें थो, थोड़ा डिटेल में इसमें सिर्फ इसको फोकस करेंगे क्योंकि अलग से प्रॉपरगेटा ये जो बैंड वैगन इफेक्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है इसको अलग से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैस कम्युनिकेशन का या जर्नलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फिनिना ये बन चुका है तो बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं बाद में मैं बात कर रहा था कि आज के इस इस जो डिजिटल ऐज में हमें ये चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है खासकर प्रोपेगेंडा प्रॉपर डिवाइस को प्रोसोशन को कम्युनिकेशन को ताकि हमें हम जितनी भी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के हम एक उस हालत में हैं तो हम जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट है उसको हमें हमें उसको ट्रिक्स आ सकें कि किस तरह से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे रेलवेंट इन्फॉमेसन है वो इन्फॉर्मेशन हम उसको सीख करें और अदरवाइज़ बाकी जो है उनको किस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ख़ासकर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो आ, आपको डिस्ट्रेस की तरफ ले जाती है आपको कन्फ्यूजन की तरफ अनसर्टेंटी की तरफ परेशानी की तरफ ले जाती है तो उससे हमें बचना है और वो बचने का जो वाहिद अल है वो ये है कि आपको कम्युनिकेशन के जो फिनना है प्रॉपर कैंड एडवाइस है उसका उसकी समझ बूझ होनी चाहिए सो so, जब बैंड वैगन की हम बात करते हैं तो आ, ये है क्या चीज़ बैंड वैगन है क्या चीज़ हैंड वैगन हैज़ इट्स थीम दैट एवरीबडी एट लीस्ट ऑल ऑफ आर आस इज़ इट एवरीबडी इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग जो एक खास फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एवरीबडी इज परचेजिंग दिस प्रोडक्ट एवरीबडीज इज जम्पिंग इ बैंड वैगन एवरीबडी इज डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क किस सारे के कि सारे जो लोग हैं वो अब यही काम कर रहे हैं एक एक डोमिनेंट पैराडाइम बनाकर पेश किया जाता है एक बैंड वैगन फेक्ट के ज़रिए से ये एक टेक्निक इस्तेमाल करके तो पता ही नहीं चल रहा होता कि बेसिकली हो सकता है कि जो एक बात वो कर रहे हैं वो इस टाइम डोमिनेंट व्यूज़ या डोमिनेंट पैरानाम नहीं बना लेकिन इस तरह से पेश किया जाता है एज व्यूज़ को प्रोग्राम को कि लोग समझते हैं कि शायद ये एक डोमिनेंट एक व्यूज़ या एक ओपिनियन बन चुका है और अगर हमने इस टाइम इसको अच, अचीव अडोप्ट ना किया तो शायद मे बी कि हम आइसोलेशन में ना रह जाएँ हम तन ना रह जाएँ जिसकी वजह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हुआ किया जाता है वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो कन्वर्ट uh, करते हैं अपने आइडियाज़ को अपने एटीट्यूड को अपने बिहेवियर को ये बैंड वैगन की वजह से हो रहा होता है सो द प्रोपेगैंडस्ट ये जो मैंने पहले बात की कि इट हैज़ इट्स थीम डेट एवरीबडी एटलीस्ट ऑल ऑफ अस इज डूइंग इट तो इसके जरिए प्रोपागैंड कर क्या रहा होता है प्रोपेकैंड अटैम्प टू कन्विंस दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू विच वी बिलोंग आर एक्सेप्टिंग द प्रोग्राम या एक्सेप्टिंग प्रोग्राम जो का है एंड वी मस्ट देयर फॉर फॉलो क्राउड एंड जंप ऑन दैंड वैगन इस तरह से एक हवा बनाई जाती है एक 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 मिले कि एक फिज़ा बनाई जाती है एक एटमोसफियर क्रिएट की के जाती है प्रोपागैंड की तरफ से कि सारे के सारे जो है मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उसके आइडियाज को उसके प्रोग्राम को उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप ये नौ के तनह रह जाए आप भी इन करें बैंड वैगन के पे बैंड वैगन बेसिकली है कि ऐसी वैन ऐसी वैगन जिसके ऊपर बैंड या उसके ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा होता है और आपने पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है आ, कि जी आ, आज फलानी जगह जलसा है तो कम एंड चॉइना इस तरह से इस तरह की ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है सारा बैंड वैगन है मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ बैंड वैगन अपील्स अपेयर एंड एडवरटाइजिंग एडवर्टाइजिंग में बैंड वैगन की जो अपील है ये एक जो टेक्निक है इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि सादा लो आ, लोग हैं उनको आ, पता ही नहीं चल रहा होता कि ये एक स्ट्रेटी है ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से उनकी जेबों पर जो है ना वो यूँ समझ लें कि एक भारी पड़ेगी जो उनकी अल्टीमेटली क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ जिनकी जिस जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है लेकिन वो उन्हें उसको उनका एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दील कराया जाता है और उसके बाद वो परचेजिंग बिहेवियर की तरफ लेके जाया जाता है तो ऑफकोर्स अगर तो ठीक है एक चीज़ की हमें ज़रूरत है तो ठीक है वो दैट इज़ नेसेसिटी लेकिन एक चीज़ नहीं जरूरत तो वो भी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं प्रोपागैंडा के अंदर आकर या प्रसोशन की उस, उस उसके जरिए से या उसकी रिजल्ट के रिजल्ट में तो वो मेरा है इतनी बेहतर चीज नहीं है उससे अच्छा है कि हम चीज़ों को समझें हमें पता होना चाहिए कि ये एडवर्टाइजिंग अगर है या ये एक ये ये प्रोपागेंडा है तो ये, ये क्या चाह रहा है इसका मकसद क्या है क्या ये हमारे लिए भला है भी इसमें कि नहीं है हमारे लिए बेटर है कि नहीं है तो एडवर्टाइजिंग में हमें बहुत ज्यादा एक बैंड वैगन की टेक्निक हमें नज़र आती है और ये क्यों एडवर्टाइजिंग में इतनी ज्यादा बैंड वैगन यूज किया जाती है या ये टेक्निक यूज की जाती है बिकॉज दे कैन बी इफेक्टिव इनफ टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बाई ए मीनिंगफुल अमाउंट क्योंकि वो अल्टीमेटली वही बात है कि लोगों के एटीट्यूड में तब्दीली ला के उनके बिहेवियर में तब्दील खासकर जो परचेजिंग बिहेवियर है उसको एट्रेक्ट किया जाता है उसको उसमें तब्दीली ला के फ़ायदा किसको हो रहा होता है प्रोपागैंड को एडवर्टाइजर को और एक चीज़ की वो जैसे मैंने पहले बात की कि एक चीज़ की हमें जरूरत शायद ना भी हो लेकिन हम इस प्रोपागेंडा के उसमें इन्फ्लुंस में, में आकर उसकी इफ़ेक्ट में आकर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम वो चीज़ भी परचेज़ कर रहे होते हैं कि जो शायद चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है और अल्टीमेटली uh, जो प्रोडक्ट की जो सेल है या सर्विस एक सर्विस की जो सेल है वो तो मैनीफोल्डर की हो जाती है लेकिन uh, लोगों की जो है ना बजट जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो है ये इसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही है कि ख़ासकर जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके uh, जो बजट है जो हाउस होल्ड बजट है एक घर का जो बजट है उसको डिस्टर्ब करती है और जिसकी वजह से हमारे अखराजात जो है वो बढ़ते जाते हैं हम अपनी uh, जो हमारी अर्निंग से भी इवन बियॉन्ड जाते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है हमें जितनी अर्निंग होनी चाहिए उसके अंदर ही एक बजट सेट होना चाहिए और ताकि

ये पेप्सी जनरेशन क्या है कि सजेस्टिंग दैट होल जनरेशन इज़ ड्रिंकिंग द प्रोडक्ट तो ये देखिए एक बैंड वैगन इफेक्ट किया जा किया जा रहा है कि पूरी जनरेशन जो है खासकर जो यूथ को इफेक्ट किया जाता है यूथ को ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है आ, आ, प्रोपेगेंडा के जरिए या प्रसोसिंग के जरिए इसी तरह वॉर टाइम में भी आ, प्रोपेगेंडा की जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नजर आती है सो बैंड वैगन खासकर उसमें प्रोपेगेंडा की जो बैंड वैगन की जो टेक्निक है जो आज का हमारा टॉपिक है ये वॉर टाइम में सबसे ज्यादा यूज होती है होने वाली डिवाइस है सो बट दैंड वैगन इज ऑफन यूज इन वॉर टाइम टू कन्विंस द पीपल दैट एवरीबॉडी इज मेकिंग सैक्रीफाइस फॉर द वॉर एफर्ट इवन टू द एक्सटेंट ऑफ सैक्रीफाइसिंग देयर लाइफ आप देखें कि जो है ना वो इस तरह से एक बैंड वैगन के एक नेशनल कॉज भी होती है नो no डाउट लेकिन टेक्निक जो यूज़ हो रही होती है वो बैंड वैगन होती है वॉर टाइम्स में और पूरी नेशन को पूरी एक कॉम को जो है ना वो एक साइड पर लेके जा जाया जाता है जो कि दो के बाद जगह पे हमारे वक्त की ज़रूरत होती है कॉम की ज़रूरत भी होती है हर जा, हर जगह पे बैंड वैगन एक नेगेटिव भी नहीं हम इसको कह सकते कि कई ऐसी चीज़ें होंगी जो पॉजिटिव होंगी लेकिन यूज़ यूज की अगर हम बात करते हैं तो वॉर टाइम में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपरगैंडा डिवाइस को बैंड वैगन को इसी तरह गवर्नमेंट्स एंड पोलिटिकल पार्टीज ऑलसो यूज द बैंड वैगन फॉर विनिंग द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स कोई नए प्रोग्राम है या कोई नई ऐसी कोई पॉलिसी है तो उसको उसके लिए इस अपने सिटीजन्स या अपनी नेशन की कॉन्फ्रेंस को विन करने के लिए जो है ना बा डिवाइस बैंड वैगन का जो प्रोपेगेंडा डिवाइस है उसको यूज़ करती है और पोलिटिकल पार्टीज़ तो खासकर इलेक्शन कैंपेन्स में बैंड वैगन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है तो ये कुछ यूजेस थी बैंड वैगन की आई होप कि आपको समझ आई होगी इसके अलावा भी बहुत सारी इस्तेमाल uh, है बहुत सारी जगहों पे uh, जो है ना बैंड वैगन को इस्तेमाल uh, किया जाता है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जो अहम जो uh, जो साइड्स हैं या जो एरियाज़ हैं या एवेन्यूज़ हैं जहाँ बैंड वैगन यूज़ की जाती है जिस तरह के मैंने एडवर्टाइजिंग की बात की वार टाइम की बात की पोलिटिकल पार्टीज़ की बात की गोर्नमेंट की बात की तो यहाँ ज़्यादा हमें इस्तेमाल नज़र आता है आज अगर आप अगर आपको ये बैंड वैगन की फलासफ़ी को समझ आ गया तो फिर जब आप अपने इर्द देखेंगे खासकर सोशल मीडिया पर हमारी तक बहुत सारी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी इन्फॉमेसन आ रही होती है और इसमें बैंड वैगन इफेक्ट यूज़ किया जाता है

तो हमें बहुत ज्यादा महतात होकर हर आ, आने वाली खबर को हर आने वाली इंफॉर्मेशन को उसको एनालाइज करने के बाद एक बेहतर डिसीजन की तरफ हमें जाना चाहिए आई होप कि आपको बैनवेगन इफेक्ट या बैंड वैगन की जो फिनोमेना है वो आपको समझ आया होगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आईकॉन सो दैट यू मे एबल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज